हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। और अभी हम आ चुके हैं हजारीबाग लक्ष्मी हीरो शोरूम, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और आज इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फ्रंट में आप देख पाएंगे, ये रही न्यू ग्लैमर क्लासिक वेरिएंट, जो कि आप यहाँ पे स्पोर्टी रेड एंड ब्लैक कलर के साथ देख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बताएंगे कि अगर आप ग्लैमर क्लासिक के साथ अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपको कौन कौन सी फीचर्स मिलने वाली है। साथ में इसमें न्यू अपडेट्स के साथ इसमें बहुत सारे ग्राफिक और न्यू फीचर्स आई हुई है, तो वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहे और इस वीडियो में इसकी एक्स शोरूम ऑन रोड के बारे में भी बात करने वाले। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले थैंक्स टू हीरो लक्ष्मी शोरूम। अगर इस शोरूम से अगर हीरो के रिलेटेड कोई भी गाड़ी की इंक्वायरीज अगर आप करना चाहते हैं, तो ये रहा वीडियो में नंबर, आप इसमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी इंक्वायरीज आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू ग्लैमर क्लासिक अगर आप लेने का प्लान करते हैं, तो ये तीन कलर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर के साथ देख पाएंगे, दूसरी जो कलर है यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कलर के साथ, और एक एक्स्ट्रा कलर आती है जो कि आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, ये रही इसकी ड्रम ब्रेक। लेकिन अगर इसे अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ लेने का प्लान करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो बिना देर किए हुए आप चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में और बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी फीचर्स मिलने वाली है, साथ में इसमें ग्राफिक और न्यू अपडेट्स क्या मिलने वाली है। अब आते हैं सबसे पहले गाड़ी के टायर के प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 80x100 18 इंच की आपको अलॉय व्हील मिलने वाली है, जो कि आपको स्प्लिट अलॉय व्हील मिलने वाली है। इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पे ये जो अलॉय व्हील है वो ग्रे फिनिशिंग के साथ आने वाली है। टायर की बात की जाए तो ये MRF कंपनी की ट्यूबलेस यहाँ पे टायर मिलने वाली है। साथ में इसकी ब्रेकिंग फ्रंट की बात की जाए तो 130mm आपको ब्रेकिंग मिलने वाली है। ये जो ब्रेकिंग है वो ड्रम ब्रेक के साथ आती है। इसकी अगर आप फ्रंट की डिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है, वो आप ले सकते हैं। साथ में अब आते हैं इसके गाड़ी के सस्पेंशन में। तो ये जो लाइटिंग है, रिफ्लेक्टर है, ये पहले नहीं आता था, लेकिन ये न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे ये मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के मड गार्ड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे ग्लॉसी ब्लैक के साथ आती है और इसकी फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है और ये स्ट्रॉन्ग के साथ आने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के फ्रंट के सस्पेंशन में। तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर वाली आपको सस्पेंशन मिलती है, तो इसकी जो राइडिंग है वो काफी कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है। साथ में इसकी फ्रंट की वाइजर आप देख पा रहे कुछ उस टाइप की न्यू ग्राफिक के साथ आने वाली है, जो कि देखने में आगे की वाइजर को काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बना देती है। इसके साथ यहाँ पे देख पा रहे तो हीरो की 3D लोगो आपको मिलती है। देन आते हैं गाड़ी के फ्रंट के हेडलैम्प में। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब आपको मिलने वाली है। हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग यहीं पे होती है। साथ में इसकी टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे कुछ उस टाइप के रेगुलर बल्ब के साथ आने वाली। अब करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन। तो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलने वाली है, जहाँ पे जरूरत की सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले नीचे मोड्स की बटन्स देख पा रहेंगे, तो यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑटो आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। स्पीडोमीटर आपको डिजिटल के साथ मिलने वाली है। फ्यूल मीटर भी आपको डिजिटल के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ की फीचर्स, टर्न इंडिकेटर, हाई बीम, चेक इंजन और यहाँ पे i3S की टेक्नोलॉजी और गाड़ी न्यूट्रल है। इसके साथ गाड़ी में लो फ्यूल है, तो वो आपको वार्निंग बताने वाली है। और सबसे अच्छी बात की यहाँ पे आप रियल टाइम माइलेज देख सकते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जरूरत की सारी फीचर्स मिलने वाली है। देन अब बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पे कुछ उस टाइप की दो आपको हीरो की लोगों के साथ चाबी मिलने वाली है। अब जैसे गाड़ी के हैंडल बार में आते हैं, तो यहाँ पे ग्रे फिनिशिंग के साथ और बीच में हीरो की आपको ब्रांडिंग होने वाली है। देन आते गाड़ी के मिरर में, तो यहाँ पे देख पा रहे कुछ उस टाइप की डिजाइनिंग यहाँ पे होने वाली है, ब्लैक कलर के साथ आने वाली है। इसकी बात करते हैं क्लच की, तो काफी अच्छी लाइट वेट के साथ मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे पासिंग स्विच देख पा रहे, हाई बीम लो बीम आप देख पा रहे होंगे, टर्न इंडिकेटर। बात करते हैं इसकी साउंड की, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको साउंड इसमें सुनाई देने वाली है। अब राइट साइड में आते हैं, तो i3S की टेक्नोलॉजी और यहाँ पे सेल्फ की बटन्स आप देख पा रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात की यहाँ पे USB पोर्ट आपको मिलने वाली है, तो एज आप अपने फोन को चार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फोन को चार्ज कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 3D में ग्लैमर की ब्रांडिंग होने वाली है। और ऊपर में आते हैं, तो यहाँ पे E20 की आपको मात्रा मिलने वाली है। कहने का मतलब है 20% आपको इथेनॉल होने वाली है इस पेट्रोल में, वो चीज आपको मेंशन होने वाली है। साथ में इसकी जो फ्यूल कैप है वो आपको सिल्वर के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात, साइड से इसकी ग्राफिक देखो यार, काफी अच्छी मिलने वाली है। साथ में यहाँ पे प्रोग्राम FI इंजन होने वाली है, तो इंडिया की यही गाड़ी है जो सबसे पहले FI टेक्नोलॉजी इसमें आई थी। और साथ में इसकी जो टैंक कॉल है कुछ इस टाइप की आपको न्यू लुक के साथ मिलने वाली है। ये चीज पहले आपको नहीं मिलती थी, लेकिन ये जो कॉल है ये थोड़ा सा फ्रंट के साइड में मूव ऑन कर दी गई है, जो कि देखने में साइड से काफी यूनिक लगने वाली है। साथ में इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है यहाँ पे 10 लीटर की आपको मिलने वाली है। अब जैसे नीचे आते हैं, तो यहाँ पे लेग गार्ड आपको नहीं मिलती है, सिंगल हॉर्न आपको मिलने वाली है। और इंजन जो है यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ आने वाली है, साथ में हीरो की ब्रांडिंग होने वाली है। अब बात करते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे 170mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। इसके साथ इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 790mm यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो शॉर्ट्स लोग भी होंगे वो कंफर्टेबल होकर यहाँ पे बैठ सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में। तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिलने वाली है वो 124.7
सीसी की आपको इंजन मिलने वाली है। साथ में ये जो इंजन आपको मिलती है वो एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक के साथ मिलने वाली है। अब इस इंजन से जो मैक्सिमम पावर आपको मिलती है वो आपको 10.7 bhp की पावर जनरेट होने वाली है, वो भी 7,500 rpm मीटर में। इसके साथ इसकी जो मैक्सिमम आपको टॉर्क मिलने वाली है वो आपको 10.4 न्यूटन मीटर आपको टॉर्क मिलती है, जो कि 6,000 rpm मीटर में मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात, ये जो इंजन है वो प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ आने वाली है। तो वो जो ठंडे के टाइम पे कहीं ना कहीं टेंशन होता था इंजन को स्टार्ट करने के टाइम पे, वो चीज़ यहाँ पे अब आपको नहीं होने वाली है। एक बार में आप एक सेल्फ में आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते गाड़ी के गियर में, तो ये 5 speed के साथ मिलने वाली है। इसकी जो आपकी ड्राइवर वाली जो फुटपैड है ये आपको फोल्डेबल मिलने वाली है। पिलियन वाली भी जो फुटपैड है ये भी आपको फोल्डेबल आपको मिलती है। साथ में यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ वाली फीचर्स मिलने वाली है, ये काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं गाड़ी की सीट की, तो इसकी जो विड्थ है वो काफी अच्छी मिलने वाली है, और कुशन की बात की जाए तो ये भी काफी अच्छी मिलती है। तो लॉन्ग ड्राइव में ये काफी कंफर्टेबल आपके लिए सीट मिलने वाली है। साथ में जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग होने वाली है स्टिकर्स के साथ, और नीचे यहाँ पे i3s टेक्नोलॉजी की ब्रांडिंग होती है, और यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर के साथ कुछ इस टाइप की ग्राफिक मिलने वाली है, जो कि साइड के प्रोफाइल को काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक बना देती है। अब यहाँ पे जो साइड में आप क्रोम फिनिशिंग देख पा रहे हैं, ये पहले आपको नहीं मिलती थी, जो कि साइड के लुक को काफी एनहांस करती है, ये आपको न्यू अपडेट के साथ यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी जो ग्रेवल है और जो सीट कॉल है ये पूरी तरह से रेड कलर के साथ आने वाली है। साथ में यहाँ पे हीरो के स्टिकर्स मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के चैन कवर में, तो ये फाइबर के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। देन पीछे की जो सस्पेंशन है इसे आप 5 step में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, और ये जो सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के साथ आने वाली है, और कुछ उस टाइप की रेड फिनिशिंग के साथ मिलती है। साथ में यहाँ पे लेडी फुट पैड आपको मिलती है, और ये आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर मिलती है। गाड़ी की सीट को ओपन करना है तो यहाँ पे लॉक वाली आपको मिलती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसकी सीट को ओपन कर सकते हैं। साथ में जैसे आते हैं इसके रियर टायर में, तो यहाँ पे MRF की आपको टायर होने वाली है। साथ में टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 100x80R 18 inch की आपको अलॉय व्हील मिलने वाली है, और ये जो टायर है ये ट्यूबलेस के साथ मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पे 100x80 के साथ मिलती है। तो जो पीछे की टायर की विड्थ है यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ इसकी ग्रिप देखो यार, ये काफी अच्छी यहाँ पे ग्रिप के साथ आने वाली है, तो ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये आपको बेहतर ग्रिप देने वाली है। इसके साथ इसकी जो पीछे की ब्रेक मिलने वाली है वो 130mm आपको ड्रम ब्रेक मिलती है, और सबसे अच्छी बात की ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाली है। तो जब भी आप पिछला ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पे इसकी जो ब्रेक है वो कॉम्बो में अप्लाई होने वाली है, तो पीछे के साथ साथ इसकी फ्रंट में भी ब्रेक अप्लाई होती है। तो जब भी आप पिछला ब्रेक आप लगाते हैं तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफी इंप्रूवमेंट हो जाती है, और आप प्रॉपर टाइम में अपने गाड़ी को स्टेबल कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के राइट के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैथोलिक कन्वर्टर और इसकी कवर यहाँ पे दी गई है। ब्रेकिंग इसमें काफी अच्छी मिलने वाली है, ये काफी अच्छी बात है। साथ में मैंने आपको बताया इसकी जो फुट पैड है वो आपको फोल्डेबल के साथ मिलने वाली है। साथ में अब आते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट में, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो आप मफलर देख पा रहे, तो यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। ये चीज आपको नहीं मिलती थी, जो कि अब आपको न्यू अपडेट के साथ मिलने वाली है, तो ये भी आपको साइड के प्रोफाइल को काफी एनहांस करने वाली है। साथ में गाड़ी को किक के थ्रू स्टार्ट करनी है या फिर गाड़ी को सेल्फ के थ्रू स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आ चुके गाड़ी के बैक के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले इसकी जो टेल लैंप है वो LED के साथ मिलने वाली है, वो भी आपको LED H-shape के डिजाइन के साथ मिलती है, और इसकी टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर और यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइटिंग आप देख पा रहे होंगे। साथ में इसकी जो पीछे की डिजाइनिंग कुछ इस टाइप की यहाँ पे मिलने वाली है। अब आते हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट में, तो यहाँ पे आप इसकी साउंड सुन पा रहे होंगे, कुछ इस टाइप की यहाँ पे आपको साउंड आने वाली है। और बात करते हैं गाड़ी के इंजन के साउंड की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप की इसके इंजन की साउंड यहाँ पे आने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी माइलेज की, तो इस गाड़ी को अगर आप लेते हैं क्लासिक के साथ तो यहाँ पे अप्रोक्स 50-55 की आपको यहाँ पे माइलेज मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी है। और ओवरऑल गाड़ी के लुक, न्यू ग्राफिक, न्यू फीचर्स, न्यू अपडेट बहुत सारे यहाँ पे हुई है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप ग्लैमर क्लासिक विदाउट डिस्क के साथ लेते हैं तो इसकी जो एक्स शोरूम है वो 83,000 के आसपास पड़ने वाली है, लेकिन इसकी डिस्क ब्रेक के साथ अगर आप लेते हैं तो इसकी जो शोरूम है वो आपको 87,000 के आसपास पड़ने वाली है। साथ में अब बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो क्लासिक विदाउट डिस्क के साथ लेते हैं तो वो 1,02,900 के आसपास पड़ने वाली है, और डिस्क ब्रेक के साथ आप जाते हैं तो वो 1,07,000 के आसपास पड़ने वाली है। तो अगर आपको बेहतर ब्रेकिंग चाहिए, बेहतर अगर आप डिस्क ब्रेक के साथ जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 5,000 इसमें आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता, जो कि जायज है। ऐसा अगर आप सेफ्टी के पर्पज में देखें तो वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन ये आपकी चॉइस है, आप अगर डिस्क या ड्रम में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं।
तो ये रहा ओवरऑल गाड़ी का सारा फीचर्स जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो इस गाड़ी को अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ले, जरूरत की सारी फंक्शन अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रियल टाइम आपको गाड़ी में माइलेज मिलती है, साथ में यूएसबी फोन चार्जर यहाँ पे मिलने वाली है, पीछे की जो लाइट है वो टेल लैम्प एचसेब में मिलती है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात की यहाँ पे माइलेज भी काफी अच्छी मिलती है। ओवरऑल गाड़ी की पावर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है, और पीछे की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलती है, और पीछे की जो टायर की विड्थ है वो भी काफी अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल रहा ये ग्लैमर क्लासिक की सारी चीज जो मैंने आपको कवर करके बताया। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।